नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील क्षेत्र के गांव नगली महासिंह में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के जानसर क्षेत्र के गांव नगली महासिंह में श्री कृष्ण प्रिय दिव्य गोधाम ट्रस्ट के तत्वावधान में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मॉरिशस सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय में अधिकारी रहे डॉक्टर राकेश श्री कृष्ण व वेद भूषण को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाकर मॉरिशस भेजे गए थे, जो उस समय मैसूर की हैसियत में थे। डॉक्टर राकेश श्री कृष्ण व वेद भूषण ने बताया कि आज भारतवंशी लोगों की संख्या वहाँ पर बहुत अधिक है और सभी मजबूत स्थिति में है। आर्यव्रत वैदिक फाउंडेशन नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील आर्य ने कहा कि वह भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव की बात है कि हजारों मील दूर भारतवंशी लोगों ने सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं। उन्होंने उपस्थित जनमानस से वेदों की ओर लौटने की अपील करते हुए कहा कि भारत संस्कृति का गौरवशाली इतिहास रहा है और यह सब वेदों की बदौलत है। हमें अपनी संस्कृति और वेदों की रक्षा करनी है। उन्होंने बताया कि आज विदेशी लोग भारतीय योग और आयुर्वेद का अनुसरण कर स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, साथ में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आयुर्वेद और योग, इन सब पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। उसके उपरांत देसी गाय और गाय आधारित कृषि, प्राकृतिक कृषि, वो भी मेरे विषय हैं। लेकिन सबसे ऊपर मैं समझता हूँ कि जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, यदि हम उसे बचा ले गए तो हमारी बाकी सब चीज़ें बच जाएंगी। कुछ समय पहले तक आप बात देखेंगे कि महाभारत काल तक भी, जो अब से 5500 वर्ष पहले हुआ, पूरे विश्व में आर्यों का राज था। हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। और आर्य कौन होता है? जो वेद को मानता हो, ईश्वर को जानता हो और ईश्वर की उपासना भी करता हो, उसको आर्य कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में से वो वैदिक संस्कृति लुप्त होती चली गई, कमज़ोर पड़ती चली गई और उसकी जगह बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय पनपने लगे, जिसके कारण से हम अनेक विचारधाराओं में बट गए, कमज़ोर होते चले गए और हमारा राष्ट्र गुलाम होता चला गया। पुनः वो गौरव वापस करने के लिए हम सब, मेरे जैसे हजारों इस समय लगे हुए हैं कि उस संस्कृति को वापस जिंदा किया जाए। उसी कड़ी में अभी मैं भी वहाँ गया हुआ था तो मेरी मुलाकात मॉरिशस से पधारे डॉक्टर राकेश श्री कृष्ण जी से हुई, वेदभूषण जी से हुई, जो वहाँ पर आज मॉरिशस सरकार के कला और संस्कृति मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी हैं। जब उनसे चर्चा हुई तो पता चला कि उन्होंने वहाँ पर भी पूरी वैदिक संस्कृति को अपनाया हुआ है। नित्य प्रति उनके घर में यज्ञ होता है, हवन होता है और हिंदी को उन्होंने बचाया हुआ है, क्योंकि किसी भी लोगों को जोड़ने के लिए भाषा एक माध्यम होती है और यदि वो भाषा हिंदी हो तो चाहे वो व्यक्ति किसी भी कोने में रहता हो विश्व के, वो आपस में भाई जैसा जुड़ जाता है। और वही हम लोगों के साथ हुआ तो मैंने उनको निमंत्रण दिया कि 2 दिन का एक लघु गुरुकुल हमारा दिल्ली में होने जा रहा है, आप उसको करिए, वैदिक संस्कृति और अधिक गहराई से आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, वो दिल्ली पधारे और वो 2 दिन का लघु गुरुकुल उन्होंने वहाँ पर अटेंड किया। उसके बाद हमारी और घनिष्ठता बढ़ी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मॉरिशस से जो आपके अतिथि आए हुए हैं उनको आप लेकर के आइए विश्वविद्यालय में, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं लेके गया, विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने भी हमारे दोनों महापुरुषों को सम्मानित किया। उसके बाद जो दिल्ली की जाट सभा है उन्होंने सम्मानित किया। गुरुग्राम में सम्मानित जी का फ़ोन आया कि भाई साहब आप यहाँ भी लेके आइए, हम यहाँ भी उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो आप सबके निमंत्रण पर मैं उनको यहाँ भी मैंने निवेदन किया, वो आए। तो मॉरिशस और भारत, क्योंकि मॉरिशस को मिनी भारत कहा जाता है, मिनी इंडिया कहा जाता है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वहाँ पूरी तरह से फल फूल रही है और हम सब मिलकर के पुनः मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि जहाँ पर हमारी संख्या ज़्यादा है, तो इस वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आप सबके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे हिंदू भाई हैं वो मिलकर के प्रयास करें और इस वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करें। वक्त हो चला आप सभी रहने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हलचल इंडिया। नमस्कार।